तत्पुरुष समास। तो पिछली कक्षा में हम लोग अव्ययीभाव समास पढ़े थे, अब हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कहते हैं राज्ञः राज्ञः पुत्रः गच्छति, राजा का पुत्र जाता है। हम ये नहीं कहते कि राजा जाता है, यहाँ जाने वाला पुत्र है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो वह कौन समास? तत्पुरुष समास। अब हमें पढ़ना है तत्पुरुष समास विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष। इसमें पहला तत्पुरुष होता है द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। इसमें इसके पूर्व पद में, पूर्व पद में द्वितीय होती है जब जब उत्तर पद में, उत्तर पद में पूर्व पद में द्वितीय होती है जब उत्तर पद में श्रित अतित पतित आदि पद हो। श्रित कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः होता है विग्रह। इसमें द्वितीय लगाएंगे तो होगा कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः। दुखातीतः, दुखातीतः, इसमें दुख में लगाएंगे द्वितीय तो होगा दुखम अतीतः, दुखम अतीतः। फिर कहते हैं कूपपतितः, कूपपतितः, तो इसमें द्वितीय लगाएंगे तो होगा कूपम पतितः, कूपम पतितः। फिर एक और शब्द आता है गत, तो कहेंगे कि ग्राम गतः, ग्राम गतः, तो हो जाएगा ग्रामम गतः, ग्रामम गतः। तो द्वितीय तत्पुरुष में कहता है कि पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है जब उत्तर पद में श्रित अतीत पतीत गत आदि पद हो। तो श्रित रहता है तो कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः। अतीत रहेगा दुखातीतः, दुखम अतीतः। पतित कूप पतितः, कूप पतितः, कूपम पतितः। ग्राम गतः, ग्रामम गतः। यानी श्रित अतीत पतित गत इत्यादि यदि पूर्व पद में हो तो, उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है। अब आते हैं हम तृतीय तत्पुरुष, अब आते हैं हम तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। पूर्व पद में, पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है, होती है जब जब उत्तर पद में, उत्तर पद में पूर्व सदृश सम ऊन कलह इत्यादि पद हो। क्या हो? भूपूर्व मास पूर्व, मास पूर्व विग्रह करेंगे
मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः। उसके बाद पितृसदृशः, पितृसदृशः। विग्रह करेंगे तो होगा तृतीय विभक्ति पित्रा सदृशः, पित्रा सदृशः। हम कहेंगे मातृसमः, मातृसमः। विग्रह करेंगे तो होगा मात्रा समः। उसके बाद एकोनम, एकोनम। विग्रह करेंगे तो होगा एकेन ऊनम। इसके बाद वाकलहः, वाकलहः। विग्रह करेंगे तो होगा वाचा कलहः। ये हमारा तृतीय विभक्ति है। तृतीय तत्पुरुष क्या कहा कि पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है, जब उत्तर पद में पूर्व सदृश सम उन और कलह हो। क्लियर कि पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है जब उत्तर पद में पूर्व सदृश सम उन और कलह हो। ठीक है, आगे अब आगे आते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। अब आगे चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। इसके इसके पूर्व पद में, पूर्व पद में चतुर्थी होती है, चतुर्थी होती है जब उत्तर पद में, जब उत्तर पद में अर्थ बलि सुख रक्षित इत्यादि पद हो। जब उत्तर पद में अर्थ बलि सुख रक्षित इत्यादि पद हो। कहेंगे अर्थ, अर्थ मतलब चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में कहता है को के लिए, हम कहेंगे पाठशाला, पाठशाला यानी पढ़ने के लिए घर। तो हो जाएगा विग्रह बालक का बालकाय होता है तो पाठ का पाठाय शाला। उसी तरह एक और उदाहरण दे देते हैं आपको, युप दारू, दारू तो होगा युपाय दारू। उपाय मतलब युप का होता है अर्थ यज्ञ, दारू मतलब लकड़ी, यज्ञ के लिए लकड़ी। अब लेकिन यहां कहेंगे भूत बलि तो आप अपने बना देंगे भूताय बलि, भूताय बलि। हम कहेंगे पुत्र सुखम, पुत्र सुखम तो आपको अपने पुत्र में चतुर्थी लगाएंगे तो होगा पुत्राय सुखम, पुत्र सुखम, पुत्राय सुखम। धन रक्षितः, धन रक्षितः तो हो जाएगा धनाय रक्षितः, धनाय रक्षितः। अब ध्यान देंगे एक बार पुनः कि चतुर्थी तत्पुरुष समास के पूर्व पद में चतुर्थी होगी जब उत्तर पद में अर्थ बलि सुख और रक्षित हो। अर्थ बलि सुख और रक्षित यदि उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पूर्व पद में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम पंचमी तत्पुरुष, अब पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। अब कहता है पंचमी तत्पुरुष कि पूर्व पद में, पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है जब उत्तर पद में, जब उत्तर पद में भयवाचक शब्द हो, भयवाचक या अलगाववाचक शब्द हो, या अलगाव वाचक शब्द हो। ठीक है, जैसे, जैसे उदाहरण कहेंगे कि सर्प भी,
तो विग्रह होगा सर्पात भी। दूसरा कहेंगे व्याघ्र भीतः, तो हो जाएगा व्याघ्रात भीतः। अगला कहेंगे चौर भीतः हो जाएगा विग्रह चौरात भीतः। दूसरा कहते ग्रामादागतः, ग्रामादागतः तो हो जाएगा ग्रामात आगतः, ग्रामात आगतः। क्लियर हो गया। यानी पंचमी तत्पुरुष समास के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है जब उत्तर पद में भयवाचक या अलगाववाचक शब्द हो। यानी सर्प भी, सर्प से डरा हुआ, सर्पात भी, व्याघ्र भीत बाघ से डरा हुआ व्याघ्रात भीत, चोर भीत चोर से डरा हुआ चौरात भीत, गांव से आया ग्रामात आगत, यानी गांव से आ गया, गांव को माथा पर लिया नहीं आ गया, गांव छोड़ दिया यानी गांव से अलग हो गया। ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है षष्ठी तत्पुरुष। वो ध्यान देंगे षष्ठी तत्पुरुष का विग्रह, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष ध्यान देंगे। पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति, पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति, और हिंदी के में यदि का के और की शब्द के साथ है, जैसे हम कहेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति, राष्ट्र के पति, तो षष्ठी तत्पुरुष जल्दी बना दे इसके लिए बताए थे कि अ रहेगा तो स्य, आ रहेगा तो यह, ई रहेगा तो ए और उ रहेगा तो ओ। ठीक है। कहेंगे राष्ट्रपति तो हो जाएगा राष्ट्रस्य, राष्ट्रपति राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रस्य पति। आगे कहेंगे हम यूथपति, यूथपति यूथस्य पति, यूथस्य पति। लेकिन हम यही कहेंगे गुरुवचनम, गुरुवचनम, गुरु वो है तो ओह ओह ए तो हो जाएगा गुरुवचनम, गुरुवचनम। यदि हम कहेंगे कि राजपुरुषः, राजपुरुषः तो होगा राज्ञः, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। हम कहेंगे राजपुत्रः, राजपुत्रः तो क्या होगा राज्ञः पुत्रः, राज्ञः पुत्रः। यदि हम आपसे कहें राजा देशम, राजा देशम तो विग्रह करेंगे तो होगा राज्ञः आदेशम, राज्ञः आदेशम। तो ये हमारा षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास जब भी होगा तो उसका हिंदी अर्थ करेंगे, और हिंदी अर्थ करने के बाद ये विग्रह होता है। आगे जो लास्ट है वो है षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष। ध्यान देंगे बच्चों, ये लास्ट सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति जब जब उत्तर पद में, जब उत्तर पद में सौंड निपुण कुशल दक्ष इत्यादि पद हो, दक्ष इत्यादि पद हो। अब देखिए अक्ष सौंडह, अक्ष सौंडह ठीक है,
तो सन मतलब चालान, अक्ष मतलब जुआ, युए में चालान, तो क्या करेंगे तो अक्षे सौंडह, अक्षे सौंडह। हम कहेंगे कला निपुण, कला निपुण हो जाएगा कलायाम, कलायाम निपुण। दूसरा कहेंगे कर्म कुशल, कर्म कुशल। तो द्वितीय में कर्म का होता है कर्मणि कुशल, कर्मणि कुशल। और कार्य दक्ष, कार्य दक्ष, तो हो जाएगा कार्य दक्ष। तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। यह तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है। अगली कक्षा में हम द्वंद समास पढ़ेंगे। आप लोग द्वंद समास के बारे में किताब से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।